अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। आज हम थोड़ी बहुत ही ट्रिमिंग कर रहे हैं। ये अलमंडा बेल है, तो इसका फ्लावर देख रहे हैं आप। ये दीवार में हैंग हुई हुई थी, वहाँ से आंधी आने की वजह से बारिशों में तो नीचे गिर गई। तो नीचे वाले प्लांट्स की आप कंडीशन देख सकते हैं क्या हालत हो गई, तो इसलिए हम इसको ट्रिम कर रहे हैं। ये बेल तो जो है बहुत खूबसूरत वाइन है, इस पर फ्लावर ऐसा आता है बहुत खूबसूरत, पर इस पर ब्लैक कलर के ये बग्स जो होते हैं, कीड़े, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। एक तो ये गिर गई है नीचे, इसको हम ज़रा स्टैंड कर रहे हैं ट्रिम करके, ताकि ये अपनी जगह पे चली जाए वापस। ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से कुछ चीज टूल वगैरह रखा है तो फिर ये काम करेगा। आंधी की वजह से सारा काम खराब हो गया। प्लांट्स अपनी शक्लें खराब कर गए, हमने कहा थोड़ा सा इनको ट्रिम कर लें। मौसम अच्छा था, अभी इसको हमने आरजी तौर पे यहाँ इस तरह हैंग कर दिया है ताकि अपनी जगह पे रहे, बाद में इसको हम प्रॉपरली बांधेंगे। टूल आपके पास सारे होने चाहिए, स्टूल वगैरह, कटर वगैरह, और रंबी, कुल्हाड़ी, हर चीज़ होनी चाहिए, फिर ही आप गार्डनिंग पूरा कर सकते हैं। तो हमने हर किस्म का टूल बना के रखा हुआ अपने पास। बाकी प्लांट सिस्टम काफ़ी डी शेप हो गए हैं, किसी दिन इंशाल्लाह इनको सेट करते हैं। जी गाइज, ये लॉन देखें हमारा, ये 2 माह पहले तकरीबन हमने घास नया लगाया था। पहले हमारा था ऑस्ट्रेलियन, वो कामयाब नहीं हुआ छाँव की वजह से, तो फिर हमने देसी घास जो है वो ला के लगाया है। तो देसी में भी देख रहे हैं आप, टीला और एक ये ब्रिक सी कोई जड़ी बूटी सी है, ये निकल आई है। एक दफ़ा मैं इसको क्लीन कर हटाऊँ अच्छी तरह, पर नहीं, दोबारा उससे डबल हो गई है घास, तो लगता ख़त्म ही हो गया। तो ये दोबारा हमें एक दफ़ा सारा उखेड़ना पड़ेगा, फिर नया लेवल करके घास लगाना पड़ेगा। अभी वेदर थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मौसम अच्छा है, इन दिनों में लगाते हैं घास, तो अभी तो ये ख़राब हो चुका है।
ये वाइन जो काटी है ना हमने अभी अलमंडा, इसको चाहे तो हम ग्रो भी करवा सकते हैं इसकी कटिंग से। वैसे तो ये अपनी रूट से बहुत जल्दी ग्रो होती है, इसकी जो ज़मीन में रूट होती है वहाँ से ये शूट निकालती है। अब ये देख सकते हैं आप, मौसम इतना अच्छा है बाहर का है, रूट डेवलप हो रही है, प्रोपगेशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये भी ग्रो करेगी, तो मेरे ख्याल में इसको लगा देना चाहिए, एक अच्छी कलम तैयार हो जाएगी। कोई पॉट देखते हैं उसमें लगाते हैं इसको तजर्बे के लिए। पहले हम अपना ये जो वेस्टी चाहिए सारा कलेक्ट करें, इसको फेंकें। इसके भी हम दो कलमें बनाने लगे हैं, दोनों एक ही पॉट में लगाएंगे। हम थोड़ा सा कलम शेप में काटेंगे ताकि प्रेस करने में इजी हो हमें। जी गाइस देख सकते हैं दोनों हम एक ही में लगाएंगे। ये इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे जब इसकी रूट स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए लगाया क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी लगी हुई है, तो इसको तजर्बे के तौर पे लगाया, देखते हैं क्या रिजल्ट देती है। अब इसको अब हम रख देंगे शेडो एरिए में, हल्का सा पानी देके। मैं ज़रा पानी देके आ रहा हूँ। ये प्लांट देखें कितना खूबसूरत है, इसकी ट्रिमिंग अगर हम करें, इसको अडीनियम को एक साइड पे कर दें ज़रा। जी गाइस ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये सहरे जो डेजर्ट कह लें हम, खुश्क जैसे कि पहाड़ मिट्टी के जो होते हैं हैदराबाद वाली साइड, ये अंदरून अंदर डीपली ये प्लांट वहाँ होते हैं डेजर्ट में, चोलिस्तान वगैरह में। इसे कहते हैं गूगल। ये आपको पंसारी की शॉप से जहाँ से ये मेडिसिन वगैरह केमिकल चीज़ें मिलती हैं वहाँ से आपको गूगल मिल सकती है। इसकी यहाँ से कट करेंगे तो इसमें से गोंद निकलती, गोंद आप रिसर्च करेंगे जाके पंसारी से पूछेंगे, गूगल वो आपको दिखा देगा। ये उसका ये प्लांट है, इसे कहते हैं गूगल। और ये बहुत सी मेडिसिन बहुत सी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। बेसिक तौर पे यहाँ पे इसको धुनी धुआं देने के लिए इस्तेमाल होता है घरों में, मच्छर भगाने के लिए, और जो दूसरी मखलूकात हैं कहते हैं कि ये उसके काम भी आता है इसकी धुनी देने से। तो ये बड़ा अच्छा प्लांट है, बहुत खूबसूरत है, हमने तो ऐसे खूबसूरती के लिए लगाया हुआ है इसको। तो देखते हैं इसकी शेप कैसे बनती है। काफ़ी अर्से के बाद ये अब ग्रो अप हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों ने इसको निकाल दिया था पॉट से, दोबारा रिपॉट किया था, तो सीज़न जा चुका था, विंटर शुरू हो गई थी। तो अभी ये मौसम है बाहर, कह लें कि बारिशों के ये जो दिन होते हैं इसमें ये बाहर का एक किस्म का मौसम होता है कि प्लांट्स बहुत ग्रो कर रहा होता है। तो ये अभी माशाल्लाह ग्रो किया है, देखते हैं आगे कि ये क्या शेप बनाएगा। बाकी ये हमारे एडीनियम्स हैं सारे इम्पोर्टेड, अरेबिक, तंजानिया, ये इस तरह की वैरायटी हैं। ये लगता है किसी बिल्ली की शरारत है। ये हमारा इम्पोर्टेड सीड था मल्टी कलर का, ये डिफरेंट कलर्स में हमने चार पांच सीड मंगवाए थे, ये उनमें से एक था। तो इसको अभी हम पॉट में डाल देंगे, देखेंगे अगर इसकी रूट लग गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर इसकी कलम जो है वो हम करेंगे जब थोड़ा सा वेदर क्लीन हो जाएगा कल, तो इसको हम दूसरे प्लांट पे ग्राफ्ट करेंगे।